दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई कहानी जिसका टाइटल है किंग लियर, जो कि कुछ इस प्रकार है। ब्रिटेन का एक राजा था लियर, जिसकी तीन बेटियां थी गोनरिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया। गोनरिल ड्यूक ऑफ एल्बेनी की वाइफ थी, रीगन ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की वाइफ थी, और कॉर्डिलिया जो कि सबसे छोटी बेटी थी उसके अभी दो सूटर सूटर यानी मंगेतर डिसाइड किए थे कि इन दो में से इसकी शादी होगी। एक था किंग ऑफ फ्रांस, दूसरा था ड्यूक ऑफ बर्गुंडी। ये जॉइंट सूटर्स थे, इन दो में से किसी एक को चूज करना था उसको शादी के लिए। तो जो कि किंग लियर क्या, क्योंकि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, 80 साल का हो चुका था, तो उसने सोचा कि अब उसको क्या है, ये राजपाट संभालने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो चुका था और वो चाहता था कि अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से जिए और अपना राजपाट अपने बेटियाँ है उनको दे दे। तो इसके लिए वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें तीनों बेटियों को बुलाता है और तीनों से एक सवाल पूछता है कि उसने एक्चुअली डिसाइड कर रखा था कि वो अपनी बेटियों को अपना राज्य उस रेशियो में, उस अनुपात में देगा जितना उसकी बेटियां उसको प्यार करती है। तो वो उस समारोह के अंदर अपनी बड़ी बेटी गोंड्रिल से पूछता है कि वो उसको कितना प्यार करती है। तो गोंड्रिल बहुत लच्छेदार बातें करती है कि मैं पिता से यानी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना तो मैं खुद से भी नहीं करती है ना, इतना तो मैं अपनी ज़िंदगी से भी इतना प्यार नहीं करती जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ, इतनी इतनी बड़ी बड़ी भी फेंकती है वो। तो किंग लियर काफ़ी खुश होता है अपनी बेटी से कि उसकी बड़ी बेटी तो उसको इतना प्यार करती है, और बहुत खुश होता है उसकी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातों से। तो किंग लियर अपने बेटे की बातों से खुश होकर उसको अपने राज्य का 1/3, 1/3 हिस्सा उसको और उसके हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी को दे देता है। उसके बाद में बारी आती है उसकी दूसरी बेटी रीगन की, और वो उससे भी ये सवाल पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो रीगन भी नो और बढ़ चढ़ के जवाब देती है, गोनरिल ने जो बोला उससे ही बड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के जवाब देती है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करती हूँ, इतना प्यार था मैं किसी से भी नहीं करती, इधर उधर का फलाना ऊंची ऊंची फेंकती है। तो किंग लियर बहुत खुश होता है कि उसकी ये बेटी भी उसको बहुत प्यार करती है। तो वो 1/3 हिस्सा अपने साम्राज्य का रिगन को उसके हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल को दे देता है। फिर बारी आती है सबसे छोटी बेटी कॉर्डिलिया की, वो उससे भी ये सवाल पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो कोडिलिया अपनी दोनों बहनों का जवाब सुन चुकी थी और वो उसको सब पता था कि दोनों की दोनों से फेंक रही है और बिल्कुल भी सच नहीं है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कोडिलिया बिल्कुल स्पष्ट जवाब देती है कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी अपने पिता को कर सकती है, उससे न ज़्यादा न उससे कम। तो जैसे ही किंग लियर ये जवाब सुनता है वो एकदम भौंचक्कर हो जाता है और एक थोड़ा सा नाराज हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम अगर चाहती हो तो अपने शब्दों को दोबारा से चेंज कर सकती हो, दोबारा से बोलो, अगर चेंज करना चाहती हो तो कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन जो कोडिलिया थी वो अपने शब्दों पर बिल्कुल अडिग रहती है कि मैं आपको सही बोल रही हूँ, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मेरी दोनों बहनें बिल्कुल झूठ बोल रही हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज मैं अनमेरिड हूँ लेकिन कल को मेरी शादी होगी, तो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे भी तो प्यार करूंगी जितना उससे कर सकती हूँ, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उसको करूंगी, तो आपको एज ए फादर आप जितना डिजर्व करते हैं आपको उतना करूंगी। इस तरह से वो एक जवाब देती है। तो किंग लियर बहुत नाराज हो जाता है कि ये तो नो मेरा अपमान कर रही है, हालांकि कोडिलिया ने बिल्कुल जो एक फैक्चुअल बात है बिल्कुल सही बात है वो बोली है, उसने कोई ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोली, बिल्कुल फैक्चुअल बात बोली है। लेकिन किंग लियर क्योंकि वो बिल्कुल लच्छेदार और बिल्कुल फ्लैटरी का आदि था, चापलूसी का आदि था, तो और उसकी दोनों बेटियों ने चापलूसी करके अपना अपना हक ले लिया था, तो किंग लियर को ये नो उसकी जो कॉडिलिया की जो बिल्कुल फ्रैंक बात थी वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बिल्कुल कड़वी भी लगी उसको। तो उसने बिल्कुल अनाउंस कर दिया कि मैं अपनी कोडिलिया अपनी छोटी बेटी को कुछ भी नहीं दूंगा, और जो उसने कोडिलिया का हिस्सा था उसको भी आधा आधा अपनी जो दोनों पहले और दूसरे नंबर की बेटियां थी उनको दे दिया। तो इस तरह से करके वो समारोह खत्म हो जाता है। उसके बाद में वो किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गेंडी को बुलाता है कि देखो सारी सिचुएशन आपके सामने है,
अगर आप इस सिचुएशन को जानते हुए भी मेरी तीसरी बेटी कोडेलिया से शादी करना चाहते हो तो आप देख लीजिए। तो जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी था वो तो बिल्कुल मना कर देता है कि इस परिस्थिति में मैं आपकी बेटी से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता, लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस है वो काफ़ी सेंसिबल बंदा था, उसने सोचा कि जो कोडेलिया है वो मन से बहुत अच्छी है, उसने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, फैक्चुअल बोला, उसने बटरिंग नहीं की, चापलूसी नहीं की, और शी इज़ द लेडी विथ ग्रेट वर्च्यूज। तो उसने किंग ऑफ फ्रांस रेडी हो गया कोडेलिया से शादी करने के लिए, और उसने कहा कि मुझे कोई दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए। तो जो लियर था वो कोडेलिया को किंग ऑफ फ्रांस के सुपुर्द करके निश्चिंत हो जाता है, और उसको किंग ऑफ फ्रांस को अपनी कोडेलिया के साथ में वहाँ से विदा करता है। कोडेलिया जाते जाते अपनी दोनों बहनों से मिलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अपने पिता का ध्यान रखना, लेकिन दोनों बहनें उसको मजाक उड़ाती कि तुम हमें ज़्यादा सिखाओ मत कि पिता का ध्यान कैसे रखना है। तो कोडेलिया ये कहकर चली जाती है अपने पति किंग ऑफ फ्रांस के साथ में, फ्रांस चली जाती है। लेकिन जो किंग है लियर, किंग लियर है, उसका एक काफ़ी वफादार, उसका ना वफादार सेवक मान लीजिए अर्ल ऑफ कैंट था, तो उसने किंग ऑफ लियर को किंग लियर को समझाने की कोशिश की, आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये गलत डिसीजन है, आपने अपनी दोनों बेटियों में सब कुछ बांट दिया, कोडेलिया आपकी इतनी अच्छी बेटी थी, आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा करके आप बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन किंग लियर उसको बिल्कुल धमका देता है और बिल्कुल वहाँ से भगा देता है एक तरह से, और कहता है कि तुम फालतू की बकवास मत करो, मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, और मैं तुमको ये आदेश देता हूँ कि अगर तुम आज से 4 दिन के बाद में अगर तुम इस शहर के अंदर नजर आए तो तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अर्ल ऑफ कैंट वहाँ से चले जाता है, लेकिन क्योंकि अर्ल ऑफ कैंट काफ़ी वफादार था अपने राजा का, इसलिए वो शहर छोड़ के नहीं जाता और अपना रूप चेंज कर लेता है और एक नया रूप धारण करके कैश नाम का बंदा बन जाता है। इसका नाम है CAIUS, कैश, ये बंदा बन जाता है और वापस किंग लियर के पास चले जाता है। किंग लियर उसको पहचान नहीं पाता है कि ये अर्ल ऑफ कैंट ही है क्या, और उसकी बातों से प्रभावित होकर वो कैश को अपने पास में रख लेता है। तो सबसे पहले किंग लियर अपनी बड़ी बेटी गोंड्रिल के पास में रहता है, और लेकिन अभी गोंड्रिल के पास रहते हुए उसे 1 महीना भी नहीं हुआ और गोंड्रिल अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है, वो अपने पिता को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि जो गोंड्रिल के सेवक हैं वो भी राजा को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। राजा काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कि गोंड्रिल इतना बदल कैसे गई, लेकिन वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सहता जाता है, क्योंकि गलती तो उसकी थी। जनरली ऐसे ही होता है, अगर अपन कोई गलती करते हैं उसके कोई अगर साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ होते हैं, तो अपन उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो किंग लियर भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, वो गोंड्रिल की लगातार जो उसका अपमान कर रही थी गोंड्रिल, उसको इग्नोर करते जा रहा था। लेकिन एक बार के बाद गोंड्रिल ने कहा कि आपने अपने साथ में जो ये 100 नाइट्स रखे हुए हैं इनको हाफ कर दीजिए। तो किंग ने कहा मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैंने अपने सब कुछ तुमको दिया है, दोनों बेटियों को दिया है, तुमको आदि जो राज्य दिया वो मैंने ही तो तुमको दिया है, ये 100 नाइट्स तो मैंने अपने जस्ट अपने मन के लिए रखे हुए हैं ताकि मुझे एहसास रहे कि मैं राजा हूँ। लेकिन गोंड्रिल बोलती नहीं, आपको 100 नाइट्स की जगह 50 करने पड़ेंगे, नहीं तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। तो लियर नाराज़ हो जाता है और बोलता है तुम इतनी ख़राब हो, तुम ख़राब बेटी हो, तुम पे मैंने विश्वास किया, तुमने मीठी मीठी बातें की और इस तरह से, और आप ऐसे कर रहे हो मेरे साथ में, इस तरह से बातें वो बोलता है अपनी बेटी को। लेकिन गोंड्रिल पर इस चीज़ का जरा ही फ़र्क नहीं पड़ता। तो लियर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी बेटी रीगन के पास जाऊँगा। तो और वो वहाँ से निकल जाता है, अपने लियर अपने 100 नाइट्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है, और उससे पहले कि वो रीगन के पास में पहुँचे, वो अपना एक मैसेंजर, ये कैश जो बंदा है जो कि असली में अर्ल ऑफ कैंट है, इसको रीगन के पास भेजता है ताकि वो उसकी स्वागत के लिए तैयार रहे। तो जब कैश अर्ल ऑफ रीगन के पास पहुँचता है और उसको सारी बात बताता है, लेकिन उससे पहले पता लगता है कि गोंड्रिल ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और रीगन को सारी बातें बता चुकी है। कैश रीगन को बोलता है कि तुम्हारे पिता हैं और तुमको उनको रखना चाहिए, गोंड्रिल तो गद्दारी करी, तुम ऐसा मत करो। रीगन उसकी बातों से नाराज होती है और कैश को अपने सिपाहियों से कहकर पकड़वा देती है। तो जब किंग लियर थोड़ी देर के बाद में एंटर करता है रीगन के राज्य में और
अपने जो कैश है उसको खराब हालत में देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे द्वारा भेजे गए मैसेंजर को इस तरह से कैसे रखा हुआ है। तो वो वहां पहुंचकर सिपाहियों को बोलता है कि रीगन को बुला भेजो उनको कि उसका पिताजी आया हुआ है। तो लेकिन रीगन मैसेज करवा देती है कि भाई हम कल रात को लेट से आए थे कहीं से, हम अभी अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो किंग लियर को काफ़ी गुस्सा आता है कि मैं आया हूँ और मेरी बेटी मेरे को अटेंड करने भी नहीं आ रही है। तो वो वापस दोबारा से भिजवाता है कि उनको बोलो कि मैं नो मेरे को अटेंड करने के लिए आया है। तो फिर रीगन आती है, रीगन के साथ साथ में गॉन्ड्रिल भी आती है और बड़े गुस्से में आते हैं वो सब, उनके हस्बैंड भी आते हैं, वो बड़े गुस्से में आते हैं। जैसे ही लियर गॉन्ड्रिल को देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये यहाँ कैसे आ गई। और रीगन फिर किंग लियर बोलता है कि नो, रीगन से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी इस बड़ी बहन है इसको तुम यहाँ से तुम भगा दो, ये बहुत ही खराब है, इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है और ये सब इस तरह की बातें। तो लेकिन रीगन चुपचाप सुनती रहती है। उसके बाद तो बोलती है कि आप वापस गोंड्रिल के साथ चले जाइए। और जैसा ये बोल रही है कि 100 नाइट्स की जगह 100 नाइट, 100 नाइट्स की जगह 50 नाइट्स ही रख लीजिए। नाइट्स एक्चुअली एक जमींदार टाइप की या एक मतलब आपके सेवक या बॉडीगार्ड टाइप की पोस्ट है एक नाइट, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जो 100 नाइट्स की जगह आप 50 नाइट्स रख लीजिए और गोंड्रिल के साथ वापस चली जाइए। जैसे ही लियर ये बात सुनता है उसको रीगन पर बहुत गुस्सा आता है कि ये भी गोंड्रिल के साथ हो गई है। और वो दोनों पे चिल्लाता है कि तुम दोनों को मैंने अपना राज्य दिया, सब कुछ मेरा दे दिया और तुम मेरे से इस तरह का बिहेव कर रहे हो। वो उसको गुस्सा आता है। तो रीगन बोलती है अगर आपको मेरे यहाँ रहना है तो आपको 50 नाइट्स नहीं 25 नाइट्स ही रखने पड़ेंगे। तो जब लियर ये बात सुनता है तो वो बिल्कुल मतलब डिप्रेस हो जाता है और वो गोंड्रिल को बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चल लूंगा, तुम मुझे 50 नाइट्स रख लेने देना। लेकिन अब गोंड्रिल दोबारा से चेंज हो जाती है, बोलती है 50 नाइट्स क्यों, तो आपको कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो एक दो सर्वेंट्स वगैरह दे देंगे वो ही रख लेना। तो लियर और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बिल्कुल अपनी बेटी को बहुत बुरा भला कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ वैसा हो जाए और तुम्हारे तो बच्चे भी ना हो, इस तरह से मतलब बुरा, जितना बुरा भला कह सकते हैं उनको वो कहता है। और काफ़ी बुरा भला कहने के बाद में और काफ़ी नाराज और गुस्सा होने के बाद में वो वहाँ से निकल जाता है, उनके अपने बेटियों के वहां से निकल जाता है। और रात में वो किसी जंगल में पहुंच जाता है, जंगल के अंदर बहुत ही बरसात हो रही थी और बिजलियां चमक रही थी। उसके साथ में उसका एक फूल, फूल जो राजाओं के दरबार में मनोरंजन करने के लिए होता है, वो उसका फूल भी उसके लियर के साथ में ही था। और वो लियर के साथ में लियर का ध्यान रख रहा था लेकिन साथ ही साथ में उसको उसकी गलतियों का एहसास भी दिला रहा था। तो उस जंगल के अंदर काफ़ी सेंसिटिव सीन बनता है, लियर काफ़ी सोचता है कि उसने अपनी छोटी बेटी के साथ कितना बुरा किया, असली में तो वो लड़की बच्ची ही, वो बेटी ही उसकी असली बेटी थी और वो सबसे अच्छी बेटी वही थी, उसके साथ उसने काफ़ी बुरा किया। वो इस चीज़ का बहुत पछतावा करता है और बहुत ही दुखी होता है कि उसने अपनी छोटी ना सबसे छोटी बेटी कोडिलिया जो कि उसकी सबसे प्यारी थी उसके साथ में उसने खराब बर्ताव किया, इस तरह की सब वो बातें वो सोचता है। वहाँ पर अर्ल ऑफ कैंट जो कि कैशियस का रूप में था वो भी वहाँ आ जाता है और फिर वहाँ से वो लियर को लेकर एक सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं और वहाँ पर लियर को रखते हैं। साथ ही साथ में फिर अर्ल ऑफ कैंट जो कि कैश है वो अपने कुछ मैसेंजर्स के थ्रू मैसेंजर्स को फ्रांस भेजता है ताकि कोडिलिया को किंग लियर की अवस्था के बारे में बताया जा सके। तो उसके मैसेंजर्स वहाँ जाते हैं, कोडिलिया को सारी बातें बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इतनी खराब स्थिति में उनके पिताजी रह रहे हैं। कोडिलिया बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है अपनी पिता की इस स्थिति को जानकर और वो फ्रांस के किंग फ्रांस से ना रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी सेना मेरे साथ भेजिए ताकि मैं अपनी उन बहनों को सबक सिखा सकूं और अपने पिता की रक्षा कर सकूं। किंग फ्रांस मान जाता है और अपनी सेना को कोडिलिया के साथ में भेज देता है और वो डोवर बीच, डोवर एक जगह का नाम है, डोवर वहां पहुंच जाते हैं। किंग लियर भी किसी तरह से जहाँ पर उसको रखा गया था वहाँ से भागकर वो डोवर किसी भी तरह से एनी हाउ वो डोवर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर वो अपनी बेटी कोडिलिया से मिलता है और उसे सॉरी बोलता है और उसके एक तरह से पाँव पड़ जाता है। लेकिन कोडिलिया कहती है नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आपको मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी और ना आप मेरे पाँव न पड़िए और मैं आपके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचती, गलत नहीं मानती, मैं आज भी आपको उतना ही रेस्पेक्ट और प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और फिर कोडिलिया अपने पिता का पूरा इलाज करवाती है
और ज्यादा ज्यादा अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाती है। तो ये सीन चल रहा होता है। कहानी में आगे ये होता है कि प्रकृति जो नेचर है वो अपना जस्टिस जरूर करती है, वो अपना फैसला जरूर सुनाती है। तो जो दोनों बड़ी बहनें गोंड्रिल और रीगन थी, जब वो अपने पिता के साथ ही वफादार नहीं थी तो अपने पतियों के साथ में कैसे वफादार हो सकती है। तो आगे ये होता है कि जो एक दूसरा अर्ल है, अर्ल ऑफ ग्लस्टर, उसका एक एडमंड एक नेचुरल सन है। नेचुरल सन का मतलब ये हुआ कि मतलब नाजायज, बायोलॉजिकली तो उसी का सन है लेकिन नाजायज है। और जो उसका लीगल हीयर है एडगर, है ना, इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। एडमंड एडगर को भगा देता है, किंगडम से भगा देता है। और उस ग्लॉस्टर ग्लॉस्टर का आल वो बन जाता है। तो जो ये ग्लॉस्टर का आल एडमंड बन जाता है, इससे दोनों बहनें थी गोंड्रिल और रीगन, उनका चक्कर होता है। लेकिन जैसे ही रीगन का पति मरता है, रीगन अपने आप को अपना नया पति आल ऑफ ग्लॉस्टर यानी एडमंड को अपना नया पति घोषित कर देती है। तो जैसे ही गोंड्रिल को इस चीज़ का पता लगता है कि बल्कि रीगन ने एडमंड को अपना पति घोषित कर दिया है, तो वो नाराज होती है क्योंकि गोंड्रिल का भी चक्कर एडमंड से था। तो गोंड्रिल जहर भेजती है और जहर भेज के रीगन को मरवा देती है। लेकिन जैसे ही गोंड्रिल के बारे में उसका पति ड्यूक ऑफ एल्बनी को पता लगता है कि इसका दूसरे आदमी एडमंड से चक्कर चल रहा है और साथ ही इसने अपनी खुद की बहन को जहर देकर मरवा दिया, तो ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि गोंड्रिल का पति है वो उसको पकड़वा देता है और जेल में डलवा देता है। तो गोंड्रिल वहां जेल में बिल्कुल पड़ी पड़ी बिल्कुल पढ़कर बिल्कुल सोच सोच कर सड़कर वहीं पर जेल में मर जाती है। तो इस तरह से जो दोनों बहनें थी गोंड्रिल और रीगन, उनका बिल्कुल खराब अंत होता है। एक जहर खा के मर जाती है और एक जेल में पड़ पड़ के सड़के मर जाती है। तो सब लोगों को लगता है कि देखो कितना अच्छा जस्टिस हुआ है, प्रकृति ने कितना अच्छा जस्टिस किया है कि दोनों खराब बेटियां मर गई। लेकिन प्रकृति कई बार मासूम लोगों को भी अपना शिकार बना लेती है। और फिर होता कुछ ये है कि जो गोंड्रिल और रीगन ने जो सेनाएं भेजी थी कोडिलिया की सेना पर अटैक करने के लिए, जिसका नेतृत्व एडमंड अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर कर रहा था, वो जाके कोडिलिया की सेना को खत्म कर देते हैं और एडमंड कोडिलिया को जेल में बंद करा देता है और वहां पर उसको मार देता है। जब किंग लियर को इस बात का पता लगता है कि उसकी बेटी खत्म हो गई है, मर गई है, तो वो भी सदमे में आकर मर जाता है। और उसके साथ में ही अर्ल ऑफ कैंट जो कि काफी वफादार जो कि कैश कैश था, वो भी किंग लियर के साथ ही मर जाता है। और अंत में फिर ये होता है कि जो एडमंड है वो अपने भाई एडगर से 1-1 कॉम्बैट में हार जाता है और एडगर जीत जाता है। तो एडगर अंत में अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर बन जाता है और जो गोंड्रिल का हस्बैंड था ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि काफ़ी अच्छा इंसान था और वो हमेशा अपनी पत्नी को अपने पिता और अपनी ना बहन के खिलाफ जो वो षड्यंत्र रच रही थी उसके खिलाफ वो बोलता था, उसको समझाने की कोशिश करता था। हालांकि गोंड्रिल ने उसकी बात मानी नहीं कभी, लेकिन हमेशा उसने समझाने की कोशिश की। तो वो ड्यूक ऑफ एल्बेनी वो एंड में जाके किंग ऑफ ब्रिटेन बनता है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। किंग लियर जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, काफ़ी दुखद ड्रामा है एक तरह से कि किंग लियर अपने खुद के ही कर्मों की वजह से परेशान होता है, अपने एरर ऑफ जजमेंट गलत जजमेंट की वजह से अपनी दो बेटियों को अपना सब कुछ देता है और अच्छी बेटी जो जिसने बिल्कुल सच बोला था उसको वो कुछ नहीं देता है। और अंत में अपने ही कर्मों और अपने ही एरर ऑफ जजमेंट की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस तरह से इस कहानी का एक दुखद अंत होता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और कहानियाँ भी डालते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट है और कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन यानी एक घंटी का आइकन नजर आता है उसे दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्द से जल्द देख सके। धन्यवाद एंड टेक केयर।